ओवरथिंकिंग। क्या आप भी इस ओवरथिंकिंग की जाल में फंस चुके हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हो तो कब रात से सुबह हो जाती है पता भी नहीं चलता? वैसे ही ओवरथिंकिंग दो तरह की मानी जा सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे कि मान लो तुमने तुम्हारे काम में कुछ टारगेट फिक्स कर रखे हैं, चाहे वो किसी भी काम को लेकर हो सकता है, बट आफ्टर सम डेज जैसे जैसे उस काम में आप अपने आप का परफेक्शन बढ़ाने लग जाते हो तो अपने आप में ये महसूस करने लगते हो डैट यू आर थिंकिंग बिग, लाइक अब तो मैं इस काम का बादशाह हो गया हूँ, मुझसे अच्छा इस काम को कोई और कर ही नहीं सकता। और इस ओवरथिंकिंग के चलते आप ख्वाबों के समुद्र में डूबने लग जाते हो। वहीं दूसरी तरफ जब आपके करे हुए काम में कोई आपका सीनियर या एनी अदर पर्सन उसमें कमी निकालना शुरू कर देता है या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दखल देने लग जाता है, तब आती है नेगेटिव ओवरथिंकिंग। मेरे साथ उसने अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं क्या करके दिखाता हूँ, अब मैं खुद का काम करूँगा। देन ऐसे ही कुछ ख्यालों में जाकर आप इस ओवरथिंकिंग के इल्यूजन में जकड़ जाते हो, बट दोनों ही सूरतों में आपके टाइम का लॉस ही होता है और रिजल्ट जीरो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरथिंकिंग को रोकने के कुछ ऐसे चार टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली इसे रोकने में आपकी हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ ऑन राइट वे। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। अब अपने आप को बिजी करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन सबसे पहले आपके दोस्त हैं, और अगर वो उस समय अवेलेबल नहीं है तो खुद को बिजी रखने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई अपना फेवरेट गेम खेल सकते हैं, और मेरी मानो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 20 मिनट्स का मेडिटेशन लेकर देख लेना एक बार, विच इज़ माई रियली फेवरेट एंड इट वर्क्स डेफिनेटली। दूसरा नियम हमसे कहता है एक्सप्लेन योरसेल्फ अबाउट द प्रॉब्लम्स। सो कई बार होता कुछ ऐसा है जब हम किसी भी तरह की ओवरथिंकिंग में एंटर कर रहे होते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, प्रॉब्लम, शायद थोड़ी बड़ी या फिर कभी कभी तो प्रॉब्लम होती भी नहीं है, जिसके लिए पहले आपको खुद को समझाना पड़ेगा भाई जिस प्रॉब्लम को मैं इतना सीरियसली ले रहा हूँ वो प्रॉब्लम है भी या नहीं। क्योंकि कई बार होता कुछ ऐसा है कि जिन चीज़ों को लेकर हम सोचते तो बहुत हैं बट हमारी लाइफ से या हमारे फ्यूचर से वो दूर दूर तक कनेक्ट ही नहीं होता, और अगर जिस दिन इस बारे में आपको पता चल जाएगा तो आपको बहुत सी ओवरथिंकिंग से उसी समय छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरा तीसरा पॉइंट कहता है फोकस ऑन सॉल्यूशन। थिंक करें उसके सॉल्यूशन को ढूंढने में, क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को लेकर ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं जिससे वो प्रॉब्लम खत्म होने की बजाय और बढ़ती जाती है। तो अगर सोचने में इतना अच्छा लगता ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें उसके सॉल्यूशन ढूंढने में। और अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, टेक एक्शन इंस्टेंटली। कई बार होता कुछ ऐसा है कि हमारे साथ हुए बुरे व्यवहार को लेकर हम उस बारे में इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हर समय बस हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बात चल रही होती है कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो हमेशा सबका अच्छा चाहता था लेकिन फिर भी कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता, कम से कम उसे तो मुझे समझना चाहिए था, आज मेरा समय खराब है तो किसी को मेरी बात सही नहीं लगती, देखना एक दिन इतना पैसा कमा के दिखाऊंगा तब सब मेरी बात की वैल्यू करेंगे। और इन सब बातों के बाद हमारे अंदर एक आग लगती है कुछ कर दिखाने की, बट एट द मोमेंट हम करते क्या हैं, हर दिन अपने दिमाग में ये ख्वाबों के पहाड़ बनाते रहते हैं, और इन सब ख्वाबों में ही हम इतना खुश होने लग जाते हैं कि हम इसी को अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, बस अकेले बैठकर सोचते रहते हैं। ठीक है अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो अच्छी बात है, बट टेक एक्शन इंस्टेंटली। आपने अपने काम को लेकर जो भी सोचा है कोशिश करें उस दिन से उस काम पर मेहनत करना चालू कर दें, क्योंकि मेरे दोस्त बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आपको इस जहां में खुद को साबित करना है तो करो कुछ ऐसा कि लोग कहें वाह कि तुम्हें क्या हो गया ऐसा। तो आज से ही ओवरथिंकिंग बंद करो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हर वो जान लगा दो कि जिस किसी चीज़ को भी आपने चाहा है वो आपके पास कब आ जाए आपको पता भी ना लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही पावरफुल वीडियोज़ के साथ, और हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।